चुप रे, चेहरा चुप। जय श्री राम साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को हृदय से आशीर्वाद। उन सच्चे हिंदुस्तान के हिंदुओं को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद जो माँ भारती की सेवा में अपना संपूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं, हृदय से, तन से, मन से, वचनों से, सांगिकता से, प्रेम से, संवार से और निष्पक्ष होकर के जो योगदान दे रहे हैं, उन सभी हिंदुओं को मेरा दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। विषय मेरा केवल इतना ही था, इतना ही है। ये अतुल तिवारी, तुम जो भी हो वो बाद में मुझे कॉल कर सकते हो। बेवकूफ़ी की हद पार करो और कॉल करो जब मैं लाइव हूँ। अतुल तिवारी, बाद में कॉल करो मुझे, इस समय मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। अकल का काम किया करो, जब लाइव दिखता है फिर भी तुम लोग कॉल करते हो। तो मैं सभी उन प्रखर हिंदू योद्धाओं को यहाँ से, इस गुजरात की भूमि से ललकारना चाहता हूँ कि अगर आप में सामर्थ्य है, अगर आप में बल है, तो अपने बल का सही उपयोग करना भी सीखो। अगर कोई एक सन्यासी अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर, अपना सर्वस्व खोकर, सर्वस्व अर्पण कर अगर तुम लोगों के लिए आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज दबाने का अगर तुम प्रयास करोगे तो मिटोगे, मरोगे, बर्बाद तुम हो जाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे मिटाने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां खुद मिट गई। अतुल तिवारी, बेवकूफ की औलाद, तू फोन मत कर, साले एक गधे सुधरेगी नहीं, बीच में ही कॉल कर देते, लिंक टूट जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज सूर्य सागर किसी टॉपिक पर आने वाला है। मैं उस हिंदू योद्धाओं के नाम जल्दी ही घोषित करूंगा, उनकी कॉल रिकॉर्ड डालने वाला हूं, जो मेरे लिए, हालांकि मुझे उनको तुल, ऐसे छछोर लोगों को मैं कीमत नहीं देता, जबकि मैंने यह देखा है कि अगर मैं हिंदुत्व की सेवा कर रहा हूं, धर्म और राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं, किसी भी प्रकार से आशा अपेक्षाओं से विरहित होकर के अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ बात कर रहा हूं, हजारों हमले हो चुके हैं मेरे पर, लेकिन किसी भी प्रकार से मैंने मांगी नहीं है मदद। बाकी योद्धा तो ऐसे देखे हैं मैंने, हरामखोर, कि अपने फेक पोस्ट बना करके भेजते हैं, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, और उसके पश्चात लोगों के द्वारा सहानुभूति के रूप में पैसे अरगलाना बरगलाना, ये उनका काम है, ये मेरा काम नहीं। मुझे अगर आवश्यकता पड़ती है तो मेरे पास बलहीन लोग नहीं है, बलवानों की फौज है मेरे पास, जो तन से और मन से और धन से संपूर्ण है। इसलिए मुझे किसी के पास से कुछ अपेक्षा रखनी नहीं होती है, मेरे पास, मैं उस प्रकार से सक्षम हूँ। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के हालात क्या है। बहुत दुख होता है कि जब दिल्ली की कुछ वीडियो क्लिप आती है, दिल्ली की कुछ बातें कानों तक आती है, तो बड़ा दुख होता है। कल मेरे एक शिष्य को मैंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैं, या आशीष तिवारी, तू तो गया बेटा आज, तू तो गया आज, साला सातवां कॉल, पांचवा कॉल कर दिया बेवकूफ। तो जब दिल्ली की कुछ घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, और आईबी के ऑफिसर को भी ये मूल्य कठमूल्य मिलकर के मार देते हैं, तो समझ लीजिए कि आईबी ऑफिसर को मार दिया जाता है तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा राम, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे पूजा प्रतिष्ठान से किया हुआ पुण्य, तुम्हारा गुरु तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी कोठी, तुम्हारे बंगले, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारी फॉर्चुनर, तुम्हारी मर्सिडीज तुम्हें बचा नहीं पाएगी, मारे जाओगे, क्योंकि वो जो तुम्हारे पास आज तुम्हारा धन है, आज जो तुम्हारी स्त्री है, वो इन लोगों के लिए तुम बचा करके रख रहे हो, क्योंकि तुम केवल और केवल शास्त्रों को तवज्जो दे रहे हो, शास्त्रों को कीमत दे रहे हो, शास्त्रों को तुम पूजना नहीं चाहते, इसीलिए तुम मरोगे, मिटोगे। तुम्हारे पास बहुत बड़े उदाहरण है शास्त्रों में, आगम में, वेदों में, पुराणों में, किंतु फिर भी अगर तुम समझना नहीं चाहते हो तो मिटना तय है तुम्हारा। कश्मीर के क्या हालात थे हम जानते हैं, कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या हुआ हम जानते हैं, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं को कश्मीरी पंडित का नाम देकर के कांग्रेस ने जो विचारधारा हमारे दिल में, हमारे जनमानस के दिलों में, दिमाग में भर दी, केवल वो पंडित, लेकिन वे पंडित नहीं थे, वे ब्राह्मण भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, जैन थे, बौद्ध थे, सारे के सारे थे, क्योंकि कश्मीर केवल पंडित नहीं बैठता था। लेकिन हमें हमारे हिंदुत्व की विचारधाराओं से तोड़ने का जो कार्य हर पल इन कांग्रेस की षड्यंत्र रचने वाली विचारधारा ने किया, उतना कही अरे तिवारी के पल्ले,
ऐसे लोग हैं ये। कंट्रोल कर बेटा सूर्य सागर, कोरोत पर बार 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 कॉल कर रहा है। तो बस ये लिंक टूट जाता है साथियों, भी मैं भूल गया ब्लैकलिस्ट का ब्लैकलिस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इसीलिए मैं लाइव के बीच मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता। फिर देखो ये बेवकूफ, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेता गया वो। तो बस साथियों ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि मेरा मूड अभी खराब हो गया, बोलना चाहता था बहुत सारे, लेकिन बीच में कॉल करके ये इनके संस्कारों को दर्शाते हैं कि गुरु जी अपनी लाइव बीच में डिस्कनेक्ट कर दे, क्योंकि पता हो गया है मैं किसी के नाम आज उजागर करने वाला था, लेकिन आज मैं नाम नहीं उजागर करूंगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्ड आ चुकी है उस व्यक्ति की जो कहता है कि अरे गुजरात में जो वो नंगा बेटा है ना, अरे मैं नंगा ही हूँ, मैं दिगंबर हूँ, वस्त्र नहीं पहनता, हर बच्चा भी जानता है, पागल भी जानता है, यहाँ तक बुद्धि का साम्राज्य से जो भरपूर है वो भी जानता है कि एक दिगंबर सन्यासी हूँ मैं। और अगर तुम ये बात कहते हो कि अरे यार वो नंगा बहुत हवा में उड़ रहा है, उसके लाखों फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग उसको कीमत देते हैं, वो हमारे जब से वो आया है, जब से उसको लोग मानने लगे हैं, हमारे को कोई पूछता नहीं, क्योंकि वो किसी से अपेक्षा रखता नहीं, वो सन्यासी किसी के पास कोई पैसा मांगता नहीं, ना कहता है कि मेरे लाइव को शेयर करो, ना कहता है कि कभी मेरी आवाज़ को पहुंचाओ। इसीलिए फटी पड़ी है इन हिंदू योद्धा हिंदू सम्राटों की। ब्लॉक नहीं कर सकता मनु लाइव में, मैं उसको ब्लॉक कैसे करूं, क्योंकि कमेंट नहीं कर रहा है, वो मुझे कॉल कर रहा है। तो उन लोगों की ऐसी फटी पड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सूर्य सेना का निर्माण अब जल्दी होगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जब बन जाएगा तब घोषित करो। क्यों? अगर किसी भवन का निर्माण करना है तो नींव रखनी होगी मुझे, आप तक अपने मैसेज पहुंचाने होंगे मुझे, आपको बताना होगा मुझे कि मेरा कार्य क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं। और अगर सूर्य सेना का निर्माण मैं केवल हिंदुत्व के लिए करना चाहता हूं, हिंदुओं के लिए करना चाहता हूं, हर वर्ग की माता बहनें, हर धर्म की माता बहनों का सम्मान उससे हो, इसके लिए अगर मैं सेना को स्थापित करना चाहता हूं, मुझे म्यांमार के बौद्ध भिक्षुक विराथु ने अगर समर्थन किया है, तो समझ लेना सूर्य सागर ने अपनी नींव किस प्रकार से मजबूत करके रखी होगी। वक्त आएगा सबको पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ छोटी सी बातों से अगर मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, अगर मेरे प्रेमी बढ़ते हैं, अगर मुझे मानने वाले मुझे समर्थन करते हैं, क्योंकि मैंने किसी से कोई अपेक्षा की नहीं अपने जीवन में, अपने प्राणों को संकट में डालकर खुद शस्त्र उठाकर मैं मुल्लों से भिड़ा, मैं उन योद्धाओं से भिड़ा हूं जिनको योद्धा कहने में शर्माती है। कुछ लोग बोलते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, आज से हिंदुत्व का काम बंद, हिजड़े है वे, हिंदुत्व का काम बंद। तुम्हें किसी ने निमंत्रण नहीं दिया था वहां कि तुम हिंदुत्व की बात करो, मुझे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया कि हिंदुत्व की बातें करे, ये मेरे अपना विषय है, मेरी इच्छा, मेरी बलिहारी है, मैं आया हूं, मैं खुद चला जाऊंगा। 3 दिन पहले मैंने पोस्ट की थी कि मैं लौटूंगा या नहीं पता नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं जानता था और मैं आज भी जानता हूं और आगे भी मैं जानूंगा कि युद्ध मुझे अपने दम पर लड़ना होगा। हिजड़ों की फौज की आवश्यकता नहीं, कुत्तों की फौज की आवश्यकता मुझे नहीं है। अगर मेरे आश्रम में मैं 1000 कुत्ते या गधे बांध के रखूं तो मुझे मारने वाला मुझे मार करके जाएगा, साथ साथ उन्हें भी मारेगा जो मेरी रक्षा में है, कुत्ते। तो मैं कुत्तों की फौज से लगाव नहीं रखता, एक शेर का बच्चा ही मेरे साथ रखूंगा जो मेरी भी रक्षा करेगा और खुद की भी रक्षा करेगा। तो मैं उन तमाम नहीं, एक दो नमूने हैं जिनकी मेरे पास कॉल रिकॉर्ड आ चुकी है, और बहुत दुख की बात है कि मैंने कभी उनका विरोध जीवन में नहीं किया, मैंने उनका नाम लिया, मैंने उनका सपोर्ट किया मेरे लाइव के जरिए, जबकि उनके लाइव में उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया। मुझे आवश्यकता नहीं, हिजड़ों के मुंह से मैं अपना नाम नहीं सुनना चाहता, लेकिन वो अगर चाहते हैं कि सूर्य सागर अपने लाइव के जरिए उनकी धज्जियां उड़ा दे, तो ये भी तैयार है युद्ध के लिए। अब तुम तैयार हो जाओ, अपने आप को सम्राट समझता है, तेरी कॉल रिकॉर्ड जब मैंने सुनी तो मेरे पैरों की जमीन खिसक गई। तू कहता है अरे वो हवा में उड़ रहा है, उसके पेज उड़ाओ, उसके लाइव उड़ाओ, उसके आईडी उड़ाओ। तुम्हारी आईडी तुम्हारे द्वारा उड़ाने से, तुम्हारे पेज, मेरे पेज, तुम्हारे पेज के द्वारा, तुम्हारे चमचों के द्वारा उड़ाने से क्या मेरी आवाज समाप्त हो जाएगी? मुझे प्रेम करने वाले हजारों है, अनगिनत है, और इस समय मुझे 1000 लोग, गुरुदेव आप नहीं दिख रहे, मैं नजर नहीं आ रहा हूं, लाइव की रिपोर्ट कर रहे होगे ना ये कुत्ते, इन लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड, आप समझ लेना क्या यूथ ब्रिगेड है, इनके ग्रुप बने हुए है, वहां पर लिखते हैं ये कि सूर्य सागर की पोस्ट की रिपोर्ट करो, उसकी आवाज दबाओ, क्योंकि हिंदू उसकी ओर जा रहा है।
वो कट्टरवादी है, कट्टरवादी विचारधारा वाला है आचार्य सूर्य सागर, जो गुजरात से बोलता है। मेरी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि मैं गाड़ी में प्रवास नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जब मैं आऊंगा गाड़ी में तब तुम किसी भी हिंदू योद्धाओं को अपनी औकात के अनुसार ही अपने जीवन शैली को चलाने के लिए मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मुझे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, तुम्हारे जैसे पेटीएम बाबा नहीं हूं। लाइव रुक रही है गुरुदेव। हाँ बेटा पी हूं मैं अभी, मेरी आवाज रोकूंगा, क्योंकि इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि इन कुत्तों ने अपना काम प्रारंभ करना शुरू कर दिया मेरे लाइव की रिपोर्ट। मुझे दिल्ली की इस टॉपिक पर आज बात करनी थी, दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला था उस विषय में आज आपको बताना चाहता था मैं, लेकिन आज मेरा मनोबल थोड़ा टूटा क्योंकि उन लोगों के दिख रहे हैं मनु, हाँ ठीक है, उन लोगों के नाम जब मेरे पास आए, उनकी आवाज मेरे पास आई, जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे आश्रम में आ चुके हैं, बड़ा दुख है ये। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, मैं तो तुम्हारे लिए आवाज उठाता हूं, मैंने तो तुम्हारा कभी नाम नहीं लिया, कभी किसी की बदनामी नहीं की, किसी की बुराई नहीं की मैंने, और तुम लोग मेरी आईडी उड़ाते हो, मेरा नाम ले रहे हो। अगर मैंने तुम्हारा नाम ले लिया और तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड जो आज मेरे पास है, मैं कभी भी किसी भी वक्त उसे डाल सकता हूं। मेरा चैनल यूट्यूब चैनल भी है जहां 26,000 सब्सक्राइबर है मेरे, तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे वो जो छूट भैया लोग हैं ना, जो तुम जैसे गांडुओं की फौज, समझ लीजिए गांडुओं की फौज, जो तुम्हारे आजू बाजू में गाड़ियों में बैठ करके लाइव बना देते समय रहती है, या तुम्हारे लाइव हर ग्रुपों में जबरदस्ती शेयर करने वाले जो लोग हैं ना, वो हिजड़ों के जैसा ये सूर्य सागर नहीं है, ना मेरे ये समय देखने वाले 1300 शिष्य हिजड़े नहीं है, ये मर्द है। इन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूर्य सागर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मेरा लाइव शेयर करो। तुम बोलते हो पहले शेयर ठोको, शेयर करो, हिजड़ो भिखारियो भिकमंगो, कम से कम तुम्हारे सन्यासी को तो बख्श देते, कभी 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 तो कम सन्यासी को तो छोड़ देते। तुमने औरतों को नहीं छोड़ा, तुमने बेटियों को नहीं छोड़ा, तुमने धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर लोगों को बरगलाया, उनके साथ बलात्कार किया, उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया। सूर्य सागर ने तो ये नौटंकी नहीं की, कभी ना करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा का पूरा चरित्र चक्रवर्ती हूँ, नहीं, मैं भी कोई दूध से धुला नहीं हूँ, मेरे भी कुछ अपने हैं जिनको मैं प्रेम करता हूँ, और मेरा प्रेम पवित्र प्रेम है, सच्चा प्रेम है, झूठा और नौटंकी प्रेम नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने मेरा साथ देना छोड़ करके, साथ निभाना छोड़ करके मेरे विद्रोह में खड़े हो गए, लेकिन फिर भी जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा, मैं उनका भी साथ अवश्य दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है और यही मेरा वचन है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उस हिंदू योद्धा की, काय का योद्धा, हिजड़ा है साला कुत्ता, तेरा नाम लेने के बाद मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, समझदारों को इशारा काफी होता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड में जल्दी ही मेरे पेज पर डालूंगा, आप समझ जाओगे। और इस समय जो 1400 साथी 1500 साथी मुझे देख रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा जब वो कॉल रिकॉर्ड डाल दिया जाएगा, मुझे विश्वास है कि उसके पास से हजारों लोग टूट जाएंगे। ऐसे हिजड़ों के साथ अगर आप रुकोगे, ऐसे हिजड़ों को जब आर्थिक रूप से आप सहयोग दोगे, ऐसे हिजड़ों की पोस्ट को शेयर करोगे, ऐसे हिजड़ों के साथ संपर्क करोगे, तो निश्चित तुम्हारा खून भी सड़ा हुआ होगा, यही मैं समझूंगा। तुम्हारे खून में कोई ना कोई किसी भी प्रकार से जयचंदों का डीएनए होगा, उन व्यक्तियों का डीएनए होगा जो जमीन पर पैदा होने के बाद अपना कटवा लेते हैं, उनका डीएनए उनमें होगा। बड़ा शर्म, बड़ी शर्मिंदगी का विषय है आज मुझको, जब वो कॉल रिकॉर्ड मेरे पास में आई, मुझे बड़ा दुख हुआ। साथियों दिल्ली के हालात बहुत खराब है, हम जानते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है इस समय, दिल्ली के लोगों के साथ हमें खड़े होना है। दिल्ली ने धोखा दिया हिंदुओं को, ये जानते हम, लेकिन सारी दिल्ली ने हमें धोखा नहीं दिया। दिल्ली में ऐसे लोग भी है आज जो हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं, जो 2015 में जो 3 सीटें थी, 8 सीटें होने के बाद और 33% वोट संख्या बढ़ने के बाद, अगर हम बीजेपी के, अगर हम दिल्ली को कलंकित दृष्टि से देखें, तो हम गलत है। और मेरे द्वारा अगर दिल्ली वालों का अपमान हुआ होगा, तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज जो दिल्ली में हो रहा है वो होना तय था, वो होने वाला था, और आगे भी कुछ बड़ा होगा। ये आईबी के ऑफिसर को मार करके नाले में फेंक सकते हैं, तुम्हारी क्या औकात है। जहां जहां कॉल रिकॉर्ड डालो गुरुदेव जी, अरविंद जी मैं जरूर डालूंगा, डालूंगा जरूर, उसके बाद बड़ा कांड होगा, और मैं उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे ऐसा नंगा करूंगा, मैं तो खुद नंगा हूं, मैं उसे नंगा, वो पहले ही बेशरम है, कई महिलाओं के साथ साला दुष्चरित्र चरित्र चर चुका है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा भी नाम लेगा मेरे लिए। अरे मेरा पेज अगर 1500 लोग है यहां पर, केवल और केवल 1500 लोग मेरे पेज पर जुड़े हुए है, मैंने किसी को बुलाया नहीं, ये अपने दिल से आए हुए, स्वेच्छा से आए हुए है, क्योंकि देशभक्ति तुम्हारे रोम रोम में है, इसीलिए तुम खुद ही जुड़ जाते हो सूर्य सागर से। मेरे पेज को कोई लाइक करता है तब मैं उसे इनवाइट करता हूं, आ जाओ और जुड़ो।
इनके जैसे चमचागिरी नहीं करते कि जुड़ो जबरदस्ती लोगों को सॉफ्टवेयर के जरिए लाखों फॉलोअर्स बनाते हैं ये लोग। मेरे मुसलमान भी मेरे प्रशंसक है क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये देशभक्त है। मुसलमान का मोहम्मद, मुसलमानों के नबी, मुसलमानों का धर्म, उनको मुबारक। मैं उनके विरोध में नहीं जाता, लेकिन कोई मुझे टारगेट करता है तब मैं उनको टारगेट करता हूँ। लेकिन ये हिजड़े, इन्होंने शुरुआत तो कर दी मोहम्मद साहब को टारगेट करने के पश्चात, और आज इतनी फटी पड़ी है कि वे लोग केवल और केवल हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के साथियों के साथ हमें खड़े रहना होगा। बजनपुरा में जो इन मुल्लों ने पेट्रोल डाल करके आग लगाई, बहुत शर्मिंदगी की बात है। और विश्व स्तर पर ये मुल्ले ये दिखाना चाहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने ये जता दिया है कि हिंदुस्तान में रहने का अब अधिकार नहीं रहा, इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि जो कानून पारित हो गया, संविधान की दुहाई देते हैं ये लोग। CAA के विरोध में इन्होंने शाहीन बाग को रोका, जाफराबाद करने का प्रयास किया, और जब पुलिस ने आसुगास छोड़ा तब इनको उनकी औकात पता चली। जो कानून की दुहाई देते हैं, जो ये कहते हैं कि हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, अगर संविधान को सर्वोपरि मानते हैं तो फिर शरिया कानून की डिमांड क्यों करते हैं? अगर संविधान को सब कुछ मानते हैं तो राम मंदिर का रिजल्ट जब हिंदुओं के पक्ष में आता है तब तुम राम के विरोध में जाकर के हिंदुओं को, हिंदुओं के अंदर फूट डालने का प्रयास क्यों करते थे और संविधान की क्यों दुहाई देने लगे? और भारतीय राजनीति के अनुसार, संविधान के अनुसार, जो संविधान का अपमान और अनादर करता है वो देशद्रोही होता है, यही संपूर्ण सत्य है। अगर यह कानून लोकसभा से पारित हो जाता है और वो लागू कर दिया जाता है राज्यों में केंद्र के द्वारा, तो उसे समर्थन देना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है। और अगर उसके विरोध में कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो देश के प्रेमी नहीं, देश के गद्दार है। और ऐसे आप धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हाँ रेखा जी, मेरी आवाज़ दबाना चाहते, क्या फर्क पड़ेगा? सूर्य सागर आज जिंदा है, कल मर जाएगा, मरना निश्चित है। इतने बड़े कांड करते हैं हम, लेकिन मुझे आज ये पता हो गया कि मेरे को मारने की हिम्मत किसी मुल्ले में नहीं, कोई मुसलमान मुझे नहीं मार सकता। यहाँ सब जानते हैं मैं अकेला विहार करता, अकेला घूमता हूँ, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन मुझे आज इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे मारने वाला हिंदू ही होगा। मारने वाला नहीं, मारने की औकात रखने वाला, उसी जगह पर मार दिया जाएगा। अगर कोई हिंदू मुझे मारने के लिए आया गया तो उसी जगह मार दिया जाएगा, और पता भी नहीं होगा कि कौन आया था मारने और कहा दफा हो गया वो। इसी लाइव के जरिए बोल रहा हूँ, सूर्य सागर की ताकत देखनी है, हमला करो मुझ पर, करो हमला। जिन्होंने किए हैं वो दोबारा नहीं पलटे हैं, याद रखना। इस लाइव के जरिए मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये दुस्साहस किया है वे कभी लौटे नहीं है जिंदा। करो तुम हिम्मत, जड़ोसा आलो तुम, शर्म आती चाहिए। हिंदुत्व के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हसीन मोहम्मद, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये पीछी है जो जैन धर्म का सबसे बड़ा हथियार होता है, इससे हम जीवों की रक्षा करते हैं। जैसे तुम जालीदार टोपी पहनते हो ना सम्मान के लिए, हमारा यह सम्मान है। इसीलिए अगर जानकारी नहीं हो धर्म के बारे में तो बोलना नहीं, अपना मुंह नहीं खोलना। मैं मुल्लों के विरोध में तब बोलता हूँ जब तुम हमारा या हमारे धर्म का, हमारे हिंदुत्व का अपमान करते हो और अनर्गल पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो। उससे मुझे तुम्हें कोई लेन देना नहीं, मुझे हिंदुत्व की बात करनी है बस। तो साथियों, फिर से लौटूंगा आप सभी के बीच। दिल्ली वालों के साथ ये सूर्य सागर खड़ा है, दिल्ली में बहुत सारी जगह इन्होंने आग लगाई है। और मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि दिल्ली में जितने मेरे साथी हैं पुराने, जो मेरा साथ छोड़ करके निकल गए हैं, उनको भी मैं यही से आह्वान करूंगा कि सूर्य सागर को याद कर लेना, हम उनके साथ खड़े हैं। मुसलमानों की सभी बहनों को, मेरे लिए बहनें नहीं, मैं कभी बहन नहीं बनाता कभी, लेकिन मैं उन सभी मुसलमान की माताओं को, उन बच्चियों को मैं एक आवाज़ दूंगा। मेरा नंबर सार्वजनिक है, मेरे नंबर पर आप कॉल करिए। सूर्य सागर गाड़ी में बैठ करके नहीं आएगा, लेकिन ये जुबान है, ये वचन है, दो घंटे के भीतर आपको किसी भी हालात में आप हो, आपको निकालने की क्षमता हम रखते हैं। क्योंकि आप हमारे लिए बच्चे हो, बच्चियाँ हो। मुसलमान हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हमारे लिए भोग की वस्तु है, मेरा धर्म मुझे यह नहीं सिखाता। और सभी हिंदुओं को भी मैं एक ही बात कहूंगा, अगर भगवान ना करता है, करे कोई प्रॉब्लम भी होता है दिल्ली में, तो बहनों की रक्षा पहले करना। मुसलमान हो तो पहले उसकी रक्षा करो, हिंदू बहन तुम्हारे सामने हो ठीक है, उसकी रक्षा वो अपने आप कर लेगी, लेकिन उस मुसलमान की रक्षा जरूर करना। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी ने
मुसलमान की बेटी का सम्मान किया था। और जो हिंदू किसी भी मुसलमान की लड़की का मजाक बनाएगा, तुम उनका कितना भी करो, मुसलमान का कितना भी करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन किसी भी मुस्लिम बहन का मजाक बनाया, सूर्य सागर बख्शेगा नहीं। बस हाँ, तो जा रहा हूँ किसी एक निजी काम से। हिंदू योद्धा, हिंदुओं के सम्राट, तुझे सूर्य सागर छोड़ेगा नहीं। हिंदू के नाम पे कलंक है तू। सूर्य सागर का बढ़ता हुआ कद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया, मैंने ऐसा कौन सा तुम लोगों का अपराध कर दिया जिसके वजह से तुम्हें अपने साथियों को, जो साथी ने हिजड़े पाल करके रखे है तुमने, जो लोगों के पैसों से, हिंदुओं से अगर तुमने पैसा कमाया है तो हिंदुत्व की सेवा करो, मुसलमानों का विरोध करो, लेकिन उनके मोहम्मद का अपमान मत करो। मैंने कभी मोहम्मद साहब का अपमान नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे केवल गीता की बात करनी, भगवत गीता की बात करनी, मुझे जिनवाणी की बात करनी है, और धर्म के मार्ग से ही मैं ये युद्ध लड़ रहा हूं और मैं जीतूंगा, मुझे विश्वास है। जो मेरे साथ है वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। मुझे आज ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हिंदू विश्वास के लायक नहीं, सभी नहीं, कुछ कुछ, जैसे एक सम्राट की कॉल रिकॉर्ड जल्दी ही मैं मेरे इसी पेज पर अपलोड करूंगा। और इसी पेज पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिस प्रकार आईडी उड़ा दी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य सागर के लाखों दीवाने, बस एक सेना का निर्माण करना चाहता हूं मैं। वही बात सुनकर के तुम लोगों के परखच्चे उड़ गए कि तुम लोगों को ये लगा कि हजारों हजारों समर्थक जो उनके साथ जुड़े हुए है वो सूर्य सागर की तरफ चले जाएंगे। अपने कर्तृत्व के बल पर तुम कुछ करके दिखाओ, पीयूष जी बताऊंगा। मेरे को आज बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। दूसरी बात, हमारा मलिक भाई, आज इस लाइव के जरिए और एक बात बताना चाहता हूँ। मलिक भाई विकास सेहरावत, उसका एजेंडा अलग है, वो अपने तरीके से अपना कार्य करता है, मैं उसको अपने पुत्र के समान मानता हूँ। और आज तक सूर्य सागर की एक भी ऑडियो या एक भी लाइव वीडियो में मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की है, व्यक्तिगत रूप से कभी किसी की बुराई नहीं की। अगर की होगी तो आप डाल सकते हो कि गुरुजी सूर्य सागर ने ये कॉल रिकॉर्ड किया है। और व्हाट्सएप पर मैं किसी के साथ बात करता नहीं, आशीर्वाद देता हूं, बाकी आप लोग जानते हैं मेरे पास रोज 2000 से 3000 व्यक्तिगत मैसेज आते हैं, मेरे को टाइम ही नहीं है, फालतू समय देता नहीं मैं। तो अगर किसी के पास, तो मलिक की बात बता रहा था, मलिक के पास किसी ने कहा मलिक ने महाकाल की सौगंध ली है इसीलिए उसने मुझे नाम नहीं बताया, लेकिन मैं उसके मुंह से नहीं, मैं महाकाल के मुख से ही वो नाम जान लूंगा और वो भी नाम उजागर कर दूंगा। वो कहता है कि आचार्य सूर्य सागर तुम्हारी बुराई कर रहा है, मलिक की बुराई। मलिक इतना अच्छा इंसान है कि मेरी माता बहनें जो मेरे साथ जुड़ी हुई मेरी शिष्याएं हैं, मैंने मलिक के लाइव में उनको जोड़ा, मलिक की आईडी के साथ मैंने मेरी शिष्याओं को कहा कि एक अच्छा इंसान है उसके साथ जुड़े रहो, और उस मलिक की बुराई मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से प्रोपोगंडा चलाकर एक हिंदू के साथ दूसरे हिंदू को तुम भिड़ा रहे हो। सूर्य सागर कभी रोता नहीं है, लेकिन आज जब मलिक मेरे सामने रोया मुझे भी आंसू आए, मैं भी रोया, क्योंकि एक हिंदू, अनेकता में एकता है बराबर है, लेकिन जो अनेकता में एकता में जो अनेकता का आचरण करता है उसे मारना जरूरी है, उसको हटाना जरूरी है। तो मलिक याद रखना, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे पुत्र हो, जिसने भी तुम्हें मेरे लिए भड़काने का प्रयास किया होगा उसका नाम आप तुम लाइव में ले लीजिए या मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में जोड़ो, और प्रूफ आज इस लाइव के जरिए मैं आपको बोलता हूं, उसका प्रूफ मांगो मैंने क्या बोला है। और सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, जय श्री राम।